आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ भारत दर्शन पार्क, और हम जाते हैं अभी टिकट लेने। और टिकट का प्राइस इवनिंग का है 150 रुपये और मॉर्निंग का है 100 रुपये, बच्चों का 50 है, और बाकी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभी अंदर मैं जाता हूँ, आपको फिर सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये रहा टिकट काउंटर, 1 2 3 4 चार काउंटर है यहाँ पे, और मंडे क्लोज है, मंडे क्लोज रहेगा। ये रही 2 जने की टिकट है इवनिंग की, 300 रुपये की, भारत दर्शन पार्क की, पंजाबी बाग। ये रहा भारत दर्शन पार्क, जा रहे हैं हम अंदर। तो हम लोग एंटर यहाँ से करेंगे, एंटर करने के बाद ये गेटवे ऑफ इंडिया दिखता है यहाँ पे। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है ओरिजिनल वाला, और ये स्क्रैप से बना हुआ है, ये यहाँ पे लिखे हुए किस किस चीज़ से बना हुआ है ये। और ये रहा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जो स्क्रैप से बना हुआ है, पूरे लोहे का है ये। ये साइकिल के पार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें, ये पूरे में ये रिम लगी हुई है, ये यहाँ पे है जो सारी रिम है ये। गेटवे ऑफ इंडिया से आगे आने के बाद हमें एक सुंदर सा ट्री मिलता है जो पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। ये सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील लगी हुई है यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे प्लेसेस लिखे हुए हैं हमें उसके लिए बाईं तरफ जाना पड़ेगा। ये इधर से पट ब्रिज से निकलने के बाद ये हम आ चुके हैं यहाँ पे हवा महल। ये हवा महल है, ये स्क्रैप से बना हुआ है पूरा, और आपको मैं ये डिटेलिंग देता हूँ, ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में बनाया है, सारा लोहे का है, ये स्क्रैप से बना हुआ है पूरा। मैं तो यहाँ के, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे 150 रुपये है ना वो पूरे वसूल है, जैसे आप देख रहे हैं पूरा कितना तो सही लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है, बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेलिंग में काम किया गया है, स्क्रैप से बना हुआ है ये पूरा। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग में बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है ये, इसमें पूरा स्क्रैप है ये, और ये लोहे का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए कितना अच्छा बना रखा है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है, और ये देखो लकड़ का बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि लकड़ का है बट ये है नहीं ऐसा। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये मेरे गांव के पास ही पड़ता है ये विकास यहाँ पे शूट कर रहा था, ये अभी ये भाग रहा है यहाँ से। मैं नहीं भाग रहा हूँ भाई, पढ़ लो, उसको पढ़ना है। ये यहाँ पे पढ़ने आया है तो इसका एडमिशन हुआ नहीं है, इसका एडमिशन मैं करवाने आया हूँ यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ अगले टेंपल की तरफ, और इस टेंपल का नाम है मीनाक्षी टेंपल, अब तक का सबसे बेस्ट मुझे लगा ये, और इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा है। ये दिखाऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया है इसमें, बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, और आपको मैं दिखाता हूँ इस पूरे ऊपर तक। अब ये नाइट का भी होगा, नाइट में लाइटिंग होगी जो मैं पूरा दिखाऊँगा मैं आपको। ये बहुत, यहाँ पे एक बड़ी सी बेल लगी हुई है, इसको बजा के देखता हूँ मैं। देख रहे हो, मजा आ रहा था, अभी बच्चे बजाने में लगे हुए थे, ये जो बच्चे जा रहे हैं ना ये बजाने में लगे हुए थे इसको, देखो ये अभी बच्चा आके बजाएगा, देखना।
करा के भाग गए भाई। मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आके। ये जो टेम्पल बनाया ना, सबसे ज्यादा सपना बनाया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ले रहा भाई, प्यास लगी बहुत ज्यादा। ठंडी है ना? बिल्कुल ठंडी है भाई। चिल्ड है, चिल्ड कितनी बढ़िया है। 25 रुपए की है ये लिमका। चलो जिसको भाई घूमते घूमते बहुत ज्यादा प्यास लगे वो लिमका पिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ पर लिमका पिए। बीच टेम्पल, ये 2500 साल पुराना टेम्पल है जो गुजरात में है और ये स्क्रैप से बना हुआ हमारा दिल्ली वाला। दे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रैप से बना हुआ है ये भी। कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी लाइटिंग की गई है इस पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना वो इसमें से आ रहा है। ये लाइट भी है और ये पीछे स्पीकर लगा हुआ है इसमें। और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये भारत दर्शन लिखा हुआ है। ये गियर तो लगा ले, आजा बैठ, जल्दी बैठ। सीट तो एक ही है भाई, कैसे बैठूं मैं? अबे भाई रिक्शा समझ ले इसे। ये रिक्शा कहाँ लटकू, टायर पे लटक जाऊं यहाँ पे? आपको मैं ये दिखाने। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये तो चिपक गया। अरे भाई चिपक गया।